दिल्ली शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री को एक बार फिर से राउस एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। दरअसल उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस दौरान हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला दिया। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले मामले में सीबीआई को मिली न्यायिक हिरासत खत्म हुई, जिससे कोर्ट ने और आगे बढ़ा दिया। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 26 फरवरी को मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था और तभी से सिसोदिया जेल में हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने उनकी कई बार पेशी भी हुई, मगर उन्हें अब तक राहत नहीं मिली। कोर्ट हमेशा उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा देता है। इस बार राउस एवेन्यू कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है। दरअसल दिल्ली शराब नीति के मामले मनीष सिसोदिया के अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार किया गया था, मगर वो अभी अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। अरविंद केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जमानत की मांग की थी। कोर्ट ने उनकी मांग को स्वीकार करते हुए उन्हें 21 दिनों की अंतरिम जमानत दे दी। चुनाव में प्रचार करने के लिए केजरीवाल को मिली ये अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त होने वाली है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है। अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को लेकर शराब घोटाले में कई महत्वपूर्ण सबूत भी देने वाले हैं। वैसे आपकी क्या राय है आम आदमी पार्टी को लेकर, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।